वन क्या बोल रहे हैं? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है? इसका कोई हल नहीं है, यह किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल करना है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले चीज़ क्या है, इक्वेशन। पहला ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, देखो कितना है वन, बी वन कितना है हमारे पास माइनस के तीन वाई का गुणांक, और सी वन कितना हमारे पास माइनस के तीन, फिर ई टू कितना है यहाँ पर तीन, बी टू कितना है यहाँ पर माइनस के नौ, और सी टू कितना है यहाँ पर माइनस के दो। अब हम क्या निकालेंगे, ए वन बट्टा ई टू। देखो ए वन बट्टा ए टू यानी कि एक बट्टा तीन, फिर क्या है देखो बी वन बट्टा बी टू यानी कि माइनस के तीन बट्टा माइनस के नौ, माइनस से माइनस का तीन कम तीन, तीन तीन नौ। ठीक है, अद्वितीय हल नहीं हुआ क्योंकि बराबर आ गए। अब हम निकालेंगे यहाँ पर सी वन बट्टा सी टू जो कि है माइनस के तीन बट्टा माइनस को दो, यानी कि यह चीज़। तो देखो यहाँ पर क्या, ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन बट्टा बी टू के, और बराबर नहीं है सी वन बट्टा सी टू के, क्योंकि एक बट्टा तीन एक बट्टा तीन बराबर नहीं है तीन बट्टे दो, तो ये आया। तो अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक टेबल है, मैं किस टेबल की बात कर रहा हूँ, मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ। तो देखो जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, समांतर रेखाएँ होती हैं, कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता तो वो क्या होती है, असंगत होती है। ठीक है, वो क्या होती है, असंगत। चलिए तो वही चीज़ लिखना है, या इट्स सिंपलाइज कोई हल नहीं है।